ये लो तुम्हारा प्रमाण पत्र, ठीक है? अच्छा उर्मिला, तुम्हारा प्रमाण पत्र भरते हैं। अच्छा शीला देवी, मैं चलती हूँ, कल फिर आऊंगी। अच्छा, जिला होशंगाबाद प्रदेश। शीला, हमने ये पहली पुस्तक तो खत्म कर दी, कल दूसरी पुस्तक में हम क्या पढ़ेंगे? वो जब हम दूसरी किताब पढ़ेंगे ना, तब पता चल जाएगा। अच्छा, ये लंबे लंबे वाक्य, सवाल जवाब, जमा घटा, ये सब मैं अकेले कैसे पढ़ाऊंगी? अकेली थोड़ी है तू, हम जो है तेरे साथ। IPCL की किताब बड़े कुशल विद्वानों ने मिलकर लिखी तीन किताब। IPCL की किताब बड़े कुशल विद्वानों ने मिलकर लिखी तीन किताब। IPCL की किताब समझाओ, फिर दूजी को हाथ लगाओ, आखिरी में तीजी पढ़ाओ, तभी होगा लाभ। IPCL की किताब चर्चा चित्रों से करवाओ, अक्षर मात्रा नए पढ़ाओ, चाहे गिनती चाहे लिखाई या पढ़ने का पाठ, शिक्षार्थी को बल मिलेगा, करवाओ अभ्यास। IPCL की किताब को पढ़ कर जांच पत्र, सही गलत को वो समझ कर, पढ़ने वाला पढ़ के खुद को बड़े आत्मविश्वास। IPCL की किताब बड़े कुशल विद्वानों ने मिलकर लिखी तीन किताब। शिक्षार्थी की गति रुचि और संस्कृति का रख कर ध्यान, पढ़ने है तो प्रेरित करना अनुदेशक का काम। IPCL की किताब पूरा पढ़, पहली पुस्तक को प्रमाण पत्र जब उन्हें मिलेगा, दूजी पुस्तक को पढ़ने का जागेगा उत्साह। IPCL की किताब ये किताबें IPCL ने पूरी कुशलता से है बनाई, बनी रहे रुचि, वक्त लगे कम केवल 200 घंटे। IPCL की किताब बड़े कुशल विद्वानों ने मिलकर लिखी तीन किताब। IPCL की किताब बड़े कुशल विद्वानों ने मिलकर लिखी तीन किताब। IPCL की किताब बड़े कुशल विद्वानों ने मिलकर लिखी तीन किताब। IPCL की किताब। तो श्रीमान नट महोदय, क्यों ना सखी को दिखाया जाए नया जो भी हुआ है तय? तो क्यों ना ऐसा करो, मुझे गीता की कक्षा में ले चलो। हाँ, पढ़ाई जा रही है वहाँ दूसरी प्राइमर, पर उससे पहले चलें जरा जमीला के घर। ठीक है, चलते हैं जमीला के घर। ये तो बताओ, ये जमीला कौन है? मगर बहन जमीला नहीं, नहीं इस गांव में ब्याही, पहला प्राइमर मायके से ही पढ़कर आई। चले पूछे दिक्कत क्या हुई कक्षा बदलने में। कोई मुश्किल ना हुई भी, जब हमने पूरी किताब पढ़ ली
और नगमा आपा ने हमें प्रमाण पत्र दिया, तो वे बोली जमीला अब तुम अपने ससुराल में जाके प्राइमर 2 से शुरू कर सकती हो। सो आते ही हमने आस पड़ोस में पूछताछ की, तब वो जो है ना चंपा दीदी, वो हमें गीता दीदी की क्लास में ले आई। और वहाँ आपने दूसरे प्राइमर से पढ़ना शुरू किया? हाँ जी, हमने पहली किताब खत्म करने का प्रमाण पत्र गीता दीदी को दिखाया और कल ही प्राइमर 2 से शुरू कर लिया सबके साथ। तो इसमें क्या दिक्कत हुई आपको? अजी ना, दिक्कत की क्या बात है, अजी वही तो सब पढ़ाया था ना गीता दीदी ने भी, वही ज्यादा इस्तेमाल होने वाले अक्षर और छोटे छोटे शब्द, इन शब्दों से बने वाक्य और 50 तक की गिनती, और यही सब तो मैं भी पढ़ी आई थी ना। तो आज आप कौन सा पाठ पढ़ने जा रही हैं? आज तो कक्षा 2 प्राइमर के पहले ही पाठ पे है, अभी कल ही शुरू हुआ है ना। ये देख, ऐसा हो घर आंगन, धर वाली धर वाली। अरे चंपा भाभी, ये धर वाली नहीं घर वाली होता है, भूल गई? ये देखो तो, और ये ध, ये जो ध है ये ऊपर से खुला होता है, और जो घा होता है ये ऊपर से बंद होता है। हाँ अच्छा, चल जमीला तू पढ़ आगे। घर वाली, आंगनवाड़ी, रसोई घर। दूसरा प्राइमर भी उसी तरह से गीता ने है पढ़ाया, इसी कारण फर्क है क्या ये समझ ना आया। ठीक कहती है सखी, बात तेरी है सही। सुनिए श्रीमान सूत्रधार, क्यों ना चलें लेखक महोदय के पास फिर से हम एक बार। जी ये हमारी श्रीमती जी की सखी की ही समस्या है कि दूसरा प्राइमर और पहला प्राइमर एक सा है, फिर एक सा तो नहीं होगा। हाँ भले ही ऊपरी तौर पर देखने से आपको सारी चीजें एक सी लगे, दूसरे प्राइमर और पहले प्राइमर में भी फर्क नहीं लगेगा, क्योंकि दूसरे प्राइमर में भी उसी तरह पाठ के ऊपर मूल शब्द हैं, शब्दों से संबंधित चित्र हैं, लिपि संकेत हैं, ये पढ़ने का पाठ, ये अभ्यास पाठ है, और फिर जांच पत्र, और अंत में है ये प्रमाण पत्र। इसीलिए तो सखी कह रही है कि फर्क नहीं है। लेकिन फर्क है। अब आप जरा दोनों प्राइमर के पहले पाठ देखिए, ऊपरी तौर पर तो वही बनावट है लेकिन फर्क है विषय वस्तु का, विषय वस्तु के सरल से जटिल हो जाने का। अब देखिए ये है पहला प्राइमर, अब इसमें वाक्यांश है जैसे नाना का मकान, अब पूरे पाठ में केवल 15 शब्द हैं, जबकि अब दूसरा प्राइमर देखिए, इसमें इतने लंबे लंबे वाक्य हैं और एक ही वाक्य में 9-10 शब्द आ गए हैं। पर इससे फर्क क्या पड़ेगा? फर्क है शिक्षार्थी के सीखने की क्षमता का, गति का। दूसरे प्राइमर तक आते आते शिक्षार्थी के पढ़ने लिखने की क्षमता बढ़ जाती है, उसमें आत्मविश्वास आ जाता है। हाँ ये बात तो है। और इसके अलावा दूसरे प्राइमर में बाकी सारे अक्षर, संयुक्ताक्षर, 50 से 100 तक गिनती और जमा घटा के सवाल भी सिखाए जाते हैं। अब ये फर्क समझ में आए कैसे दूजी किताब पढ़ाए, पहले प्राइमर को खत्म कर बाकी सिखलाने हैं अक्षर। तो ये है पत्र नेत्र, अब इसमें से प को भी तुम पहचानती हो और ने को भी, लेकिन त्र को नहीं, तो ये है त्र। गीता दीदी हमें तो इसमें ता और रा दोनों ही सुनाई पड़े। शाबाश, ये ता और रा का मिला जुला रूप होता है। पर गीता इसमें ना तो ता दिखाई देता है और न रा। देखो मौसी, ये त्र जो है ये 2 तरह से लिखा जाता है, एक तो ये वाला त्र है, देखो जो तुम्हारी किताब में भी है, है ना, और एक त्र इस तरह से लिखा जाता है, ये वाले त्र में
तुम ता भी दे सकती हो और रा का डंडा भी। जी सखी तू रखना याद, गीता पढ़ाती कैसे पाठ, कैसे ये सब कुछ समझाए और कैसे अभ्यास कराए। अब इसे लिखने का अभ्यास करते हैं, चलो। ओ गति तो केवल एक परख है और भी है आधार, वो सरल से कठिन है शब्द बनावट और वाक्य विस्तार। अरे एक बात तो मेरी भी है ध्यान में आई, अरे नया अक्षर संग संयुक्त अक्षर भी पड़े हैं दिखाई। हाँ तो नट नटी, गीता ने और क्या पढ़ाया? गीता ने सौ तक गिनती लिखना पढ़ना सिखलाया। सौ तक गिनती करके याद, जमा घटा करना है आज। अब तुम्हें ये बताना है कि ये कितने प्याज हैं? एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, नौ नौ ना, तो ये हुआ नौ। अब मैंने इसमें से ये कला को दे दिए, कितने दे दिए कला को? पाँच। पाँच इसको भी दे दिए, तो ये पाँच। अब मेरे पास कितने बचे? चार ही तो बचे। चार, तो ये चार। अब देखो ये हो गया हमारा घटा का सवाल। अब मेरे साथ बोलो, नौ घटा पाँच बराबर चार। खेल खेल में गणित सिखाना इतना है आसान, लेकिन जब हम हिसाब का सवाल करते हैं तो उसे ऐसे लिखते हैं, नौ घटा पांच बराबर चार, है ना। और जैसे गणित नहीं डरने की बात, आज गई मैं जान। तो चलो अब हम कुछ घटा के सवाल करते हैं। अपनी किताब निकाल। ज्ञान का नहीं है फीका, जितना बैठो उतना मीठा। अब गणित पढ़ाने की तकनीक समझ है आई, एक आखिरी बार गीता ने क्या कराई है पढ़ाई। काशीराम कौन था? किसान। अरे मौसी शब्दों में तो कंजूसी मत कर, जन्म की कंजूस जो ठहरी। क्या मैं कंजूस हूँ? आई हाय, तुम दोनों में तो फिर लड़ाई शुरू होगी। देखो तो तेरे पेट में क्या दर्द होता है? हाँ तो गीता बोल, क्या बोल रही थी तू? सवाल का पूरा जवाब दो और जरा प्यार से पूरे शब्दों को जोड़कर और पूरा वाक्य बनाकर। तो सुन, काशीराम एक किसान था। रामू कैसा लड़का था? फूलो बता। आलसी। नहीं, रामू एक आलसी लड़का था। तो अब आई बात समझ में? हाँ। तो चलो अब इन सारे सवालों का जवाब। एक बात तुम रखना याद, जब भी कराओ सवाल जवाब उत्तर पूरा ही लिखवाना। क्यों? क्योंकि अभ्यास नहीं ये सिर्फ लिखने का, वाक्य ढंग से सोचने का भी है, ये तुम भूल ना जाना। एक एक बात मैं रखूंगी हरदम याद, कक्षा में पढ़ाऊंगी जब दूसरी किताब, धीरे धीरे गति बढ़ाकर अक्षर नए सिखाने, और सौता गिनती और कई संयुक्त अक्षर सिख लाने। जमा घटा का गणित सिखा, फायदा उसका है बतलाना, और पूरे वाक्य बोलना सिखाना और उन्हें लिखवाना, संग संग अभ्यास कराना और रोचक सब कुछ बनाना, अरे पूरे वाक्य बोलना सिखाना और उन्हें लिखवाना।
घरवाली नहीं कृष्णा, घरवाली। देखो तुम भूल गई, याद नहीं? ये है पौ पौ ध, ये देखो, ये है ध, ये ऊपर से खुला होता है, हाँ ये देखो खुला हुआ है, और ये है घ, घ र, ये है घ, ये ऊपर से बंद, हाँ चलो अब पुष्पा तुम पढ़ो। घर वाली घर वाली आंगनवाड़ी रसोई घर चंदा बड़ा बड़े बड़े